गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। साइक्लोट्रॉन हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, किसकी कुछ एप्लीकेशंस, छोटे छोटे हमने डेरिवेशंस किए थे इसके। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का किया था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल बाय द साइक्लोट्रॉन किया था। अब जो हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने याद कीजिए किया था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल क्यू रखा है, इफ इट इज इन रेस्ट, तो फोर्स क्या था? जीरो। अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है क्यू विद वेलोसिटी वी, तो फोर्स था एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। अब हमने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आई, कंडक्टर की लेंथ कितनी है एल, कैपिटल एल, ठीक है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं इसका मतलब उन सभी चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स है, वो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, क्लियर है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या समीकरण होता है कि हमने एक मान लिया कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, लेंथ है एल, रखा है एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। लेट ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई आई इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फील्ड एट एंगल थीटा। थीटा एंगल पर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, ठीक है। देन लेट स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? स्मॉल एन। देन स्मॉल एन विल बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? कंडक्टर का, क्लियर है। टोटल इलेक्ट्रॉन हमने मान लिए एन, कैपिटल एन, और वॉल्यूम आपको पता है एरिया इनटू में लेंथ, इसकी लेंथ स्मॉल एल कर दीजिए, चलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इनटू में लेंथ, वॉल्यूम आ गया। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कैपिटल एन, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एन इंटू में ए इंटू में एल आ गया। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ए एल इंटू में ई। टोटल चार्ज आ गया भैया, हमारे पास आ गया। नाउ हमें पता है एफ, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, हमें पता है ये, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल, ये आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू की वैल्यू टोटल चार्ज ये उठा के रख दे, क्या रख दे, देन फोर्स एफ विल बी इक्वल टू क्यू रख दिया एन ई ए एल वी बी साइन थीटा, क्यू की वैल्यू ये रख दी एन ई ए एल, ठीक है। वी है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कंडक्टर में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, याद कीजिए द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ ए कंडक्टर आर इज कॉल्ड कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो मैं ये कर देता हूं एन ई ए एल, ये मैंने लगा दिया एक ब्रैकेट वी के लिए, और ये लिख दिया बी साइन
थीटा। अब वी का क्या लिखे हम? आपको एक डेरिवेशन पता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही तो है। यहां से वी डी क्या आ जाएगा आपके पास, आई अपॉन एन ई ए आ जाएगा ना, क्लियर। तो ये वैल्यू रख दू मैं इस ब्रैकेट में, आई अपॉन एन ई ए, एन से एन कैंसिल, ई से ई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक है, क्लियर। क्या आ गया आपके पास, एफ फोर्स एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा आ गया। फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर इज गिवन बाय आई एल बी साइन थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, एफ इज इक्वल टू आई इंटू में एल क्रॉस बी, आई इंटू में एल क्रॉस बी, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ बाय, आपको पता है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे देगा, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक फोर्स लगता है आई एल बी साइन थीटा। नॉर्मल फॉर्म में आप इसको क्या लिख सकते हो, आई एल बी साइन थीटा को इजी बोलना हो ना आपको, तो आप क्या करोगे, बिल साइन थीटा, क्या कह देंगे, बिल साइन थीटा। वैसे फॉर्मूला होगा आई इंटू में एल क्रॉस बी, क्लियर है आपके पास। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये फोर्स हमारा मैक्सिमम कब होगा, वैल्यू आ गई आपके पास बिल साइन थीटा, आ गई ना, ठीक है, आई एल बी साइन थीटा। द फोर्स विल बी मैक्सिमम, फर्स्ट केस द फोर्स विल बी मैक्सिमम कब, इफ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हमारे पास फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम इफ साइन थीटा इज इक्वल टू वन एंड थीटा इज इक्वल टू 90, क्लियर। यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो और ये कंडक्टर ऐसे की बजाय ऐसे रखा हो, एंगल 90 डिग्री पर, करंट ये रहा I, तो आपके पास इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम एक थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, सुनिए, हमने क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। अब की बार हम कंडक्टर नहीं रख रहे, अब की बार हम कंडक्टर नहीं रख रहे, हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, हम एक रेक्टेंगुलर प्लेन या रेक्टेंगुलर क्वाइल या रेक्टेंगुलर शीट रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, रेक्टेंगुलर क्वाइल। ए अब दो तरीके से रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहला तो आपने ऐसे रख दी, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल रख दी, क्लियर। एक और तरीका है, आप कैसे रख सकते हैं इस रेक्टेंगुलर क्वाइल को, आप ऐसे रख दीजिए एट एन एंगल थीटा, ये लीजिए, हो गई, अब मैं इसको मिटा दू, मान लीजिए ये लीजिए, मैंने मिटा दिया इसको और इधर से ये मिटा दिया है, तो ये आ गया आपके पास रेक्टेंगुलर क्वाइल, कितने एंगल पर आ गई, थीटा एंगल पर, क्लियर। तो मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगुलर क्वाइल रख ली, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर क्वाइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर क्वाइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक
फिल करें। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, पैरेलल लाइन से दिखाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी है, रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी जिसकी लेंथ कितनी है L, ब्रेथ कितनी है B, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, नाम है A, B, C, D. Let we have a coil A, B, C, D placed in uniform magnetic field at an angle theta. किसी एक एंगल थीटा पर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है. Let A, B, C, D is A. ये टॉपिक हमारा RECT रेक्टेंगुलर क्वाइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर। देन अभी हमने किया है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, लगेगा उस पर एक फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आई एल बी साइन थीटा। क्या वैल्यू होती है उस फोर्स की हमारे पास, आई एल बी साइन थीटा, क्लियर। तो हमें क्या करना है देन, अब ये करंट कैरिंग वायर्स हैं, कंडक्टर्स ही एक तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, है ना, तो इन पर फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय साइड ए बी विल बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, वही फॉर्मूला हमारे पास, फोर्स की वैल्यू रख दी एफ वन, ये लीजिए फोर्स वैल्यू रख दी एफ वन इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90। क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल कौन सा देखते हैं, जो हमारे पास जिनका दो का क्रॉस प्रोडक्ट है, लेंथ का और बी मैग्नेटिक फील्ड का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दोनों के बीच का एंगल देखना है। लेंथ तो ये रही हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, साइन 90, साइन 90 क्या हो गया आई एल बी, क्लियर है। ए बी पर हमने फोर्स निकाल लिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। चलिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की उंगली होगी, सिर्फ ए बी कंसिडर करना है, ए से बी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, उंगली इस तरफ, करंट ऊपर, करंट ऊपर, करंट ऊपर, फोर्स अंगूठा बताया किस तरफ आ गया, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फोर्स के लिए मैंने लगा दिया काटा, ये फोर्स क्या आ गया हमारे पास इनटू द बोर्ड, डायरेक्शन आ गई फोर्स, क्लियर है। नाउ एफ टू, एफ टू इज फोर्स ऑन साइड सी बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, वही आ गया आपके पास, एफ टू इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा फिर 90, आई एल बी साइन 90, फिर साइन 90 की वैल्यू 1, आई एल बी, क्योंकि लेंथ हमारे पास ऐसे है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल फिर 90 डिग्री आ गया। डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, करंट की उंगली रही नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए क्या लगा दीजिए डॉट, आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। तो हमारे पास इस तरह से इस क्वाइल की दो साइड पर, एक साइड पर लगेगा अंदर की तरफ फोर्स और एक साइड पर लगेगा बाहर, दो फोर्स लग गए। अब मान लीजिए ये क्वाइल हमारी, एक साइड पर लगा अंदर की तरफ फोर्स, एक साइड पर लगा बाहर की तरफ फोर्स, ये इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या करेंगे, इस क्वाइल को रोटेट करेंगे, एक साइड अंदर की तरफ जाएगी, एक साइड बाहर की तरफ, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होगी ना, ये वाली साइड क्या करेगी अंदर, और ये वाली साइड क्या करेगी बाहर, दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल ट्राई टू रोटेट द क्वाइल, है ना, देन दीज टू
इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स विल ट्राई टू रोटेट द कॉइल सो ए टॉर्क विल कम इनटू प्ले. तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब किसी गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे कॉइल को तो एक टॉर्क आ जाएगा हमारे पास एक्शन में आ जाएगा एक टॉर्क. वो टॉर्क कितना होगा दैट टॉर्क विल बी गिवन बाय वन ऑफ द फोर्स इनटू मे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बता दो इसको देन द टॉर्क टो विल बी इक्वल वन ऑफ फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स बिटवीन द फोर्स. ठीक है क्लियर. फोर्स एक फोर्स कोई भी दोनों फोर्स आई एल बी थे भाई इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये समझने की चीज है भाई. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा ये समझते हैं. चलिए मैं क्या करता हूं इसकी ये वाली साइड ले मैंने एक ये वाली साइड एक सिर्फ ये वाली ध्यान से समझिएगा. इसने क्या किया ध्यान से देखिएगा क्या हुआ हमारे पास ये वाली साइड है इसका हिस्सा ये वाला इस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है अंदर की तरफ. ये वाला हिस्सा इस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है बाहर की तरफ. यही है ना ये फोर्स इस पर बाहर की तरफ और इस पर अंदर की तरफ. क्लियर है. मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना दूं ये देखिएगा थोड़ा सा छोटा एक फिगर और बना रहा हूं आपके लिए ये बना सकते हैं आप टॉपिक में भी. ये थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना ये वाली और ये है हमारे पास साइड एडी ऐसे ए डी सॉरी डी 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 ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है ना. इस वाली साइड पर फोर्स लग रहा है इनवार्ड इनवार्ड को मैंने ऐसे दिखा दिया अंदर की तरफ. अब अंदर को दिखा नहीं सकते टू डायमेंशनल फिगर बना सकते हैं मैंने इसको अंदर की तरफ दिखा दिया F1 और इस वाली पर फोर्स लग रहा बाहर की तरफ इसको मैंने इस तरफ दिखा दिया F2. क्लियर. अब हमें चाहिए दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या चाहिए दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एक डिस्टेंस तो हमारे पास ये है AD. AD यानी ब्रेथ किसकी ब्रेथ स्मॉल बी है सॉरी स्मॉल बी ये लीजिए ब्रेथ किसकी क्वाइल की. क्लियर है. एक फोर्स अंदर की तरफ और एक फोर्स बाहर की तरफ हमें इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे किसी एक लाइन ऑफ एक्शन को पीछे करते हैं. ये कर दिया हमने लाइन ऑफ एक्शन को पीछे. क्लियर है आया समझ में. अब हमने लाइन ऑफ एक्शन को पीछे कर दिया. अब हमारे पास इसको इससे मिला दीजिए ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स. ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स. फिर से समझिए कि हमारे पास ये कॉइल थी ए डी एक फोर्स लग रहा था एफ वन अंदर की तरफ ये वाला और एक फोर्स लग रहा था एफ टू बाहर की तरफ. हमें जब भी टॉर्क निकालते हैं दोनों फोर्स की वैल्यू दोनों की सेम थी आई एल बी और आई एल पी. हमें चाहिए इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक ही तरीका आप क्या कीजिए ये है विड्थ बी. किसी एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे कीजिए ये कर दिया मैंने इसको पीछे और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया एक्स. दूसरा तरीका क्या है सेम वही आएगा कोई फर्क नहीं आना दोनों में कोई फर्क नहीं आना. आप क्या कीजिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे कर दीजिए ये लीजिए आप इसको मिला दीजिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया एक्स. ये परपेंडिकुलर तो सामने वाला थीटा हो गया बस यही खेल. क्लियर. जैसा आपको मन लगे जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा कर लीजिए. अब मैंने आपको एक बार बता दिया है कि मैंने क्या किया है इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे किया है और अब ये F2 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ये F1 फोर्स है इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक्स. ये एक्स है तो सामने वाला क्या हो गया थीटा. परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या हो गया थीटा. क्लियर है बता दूं ये लीजिए ये लीजिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपके पास x i l b इनटू में x टॉर्क टॉर्क.
तो इज इक्वल टू आई एल बी इंटू में एक्स 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 परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला क्या आ गया थीटा, परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल होता है, नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया आपके पास साइन थीटा बन गया। क्लियर है, बोलिए कोई डाउट है यहां तक, फिर से समझाऊंगा एक बार, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। लेट्स डू वंस अगेन, क्या है हमारे पास, यही चीज समझ रहे हैं इसमें, फिर से समझिए, ये है हमारे पास एडी, एडी ऊपर लग रहा है फोर्स एफ टू, नीचे लग रहा है फोर्स एफ वन, ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहली, ये एक और दूसरी, ये एक और तीसरी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इस साइड के बीच का एंगल है थीटा, क्लियर, हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको पीछे किया और इसको मिला दिया, ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स आ गया, ये थी हमारी विड्थ बी, लेकिन इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है एक्स बेस है, इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है एक्स बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा इसमें एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, तो इसको लिख दिया बी कॉस थीटा, तो टोर्क आ गया हमारे पास आई एल बी इंटू में बी कॉस थीटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आ गया आपके पास एरिया, तो टोर्क आ गया आई बी ए कॉस थीटा, क्लियर है, फोर एन टर्न्स, फोर एन अगर हमारे पास इसमें एन टर्न्स, फोर एन टर्न्स, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉस थीटा, क्लियर हो गया, बोलिए यहां तक कोई डाउट है, चले आगे, एक इसका स्पेशल केस है, स्पेशल केस यहां पर देखिएगा, इफ एन इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एक एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर खींच दिया हमने, कैसे देखिएगा अभी बताते हैं, मिटा दो एक बार इसको, एक बार फिर से बना देता हूं अलग से, ठीक है ये केस था हमारे पास, जल्दी से जल्दी से जल्दी से फास्ट शाबाश, और ये केस था हमारे पास, ले लीजिए थीटा था हमारे पास।